हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। तो अभी हम जा रहे हैं बैंड्रा टू जम्मू। जो हम लोग का सफ़र है वो है स्वराज स्पेशल एक्सप्रेस 04617 का। तो दोस्तों ये हम लोग का 1900 किलोमीटर्स का जो ट्रैवल है, जो हम लोग 34 से 35 घंटे में हम लोग पूरा करेंगे, जो कल दोपहर में 2 बजे तक लगभग हम जम्मू में पहुँच जाएंगे। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ट्रेन में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या क्या नहीं है, और आपको क्या क्या चीज़ कैरी करनी पड़ेगी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो। तो इंशाल्लाह वीडियो में बने रहे, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स अ लॉट। ये वॉशरूम है, थोड़ा सा इतना क्लीन नहीं है बट इनफ है। और इसको भी ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये इधर नीचे पैर है, इस पे दबाने के बाद में ये आप लोग को हो जाएगा। बाकी सैनिटाइजर थोड़ा खतरनाक ही है। मसला ऐसा है कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ का जो स्ट्रेट एडवाइजरी है, अगर हम यहाँ से जम्मू ट्रैवल करती है, जम्मू से यहाँ ट्रैवल करते हैं, तो जो स्ट्रेट एडवाइजरी है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके मुताबिक आपको RT-PCR टेस्ट करना ज़रूरी है, जो 72 आवर्स तक हमको वो वैलिड होता है। तो वो भी आपको देखना होगा कि वो है या नहीं। और बाकी जो AC, अगर आप AC 3 टायर 2 टायर या 1st टायर में अगर ट्रैवल करते हो, तो जो पिलोज और फिर बेडशीट्स वगैरह मिलते थे वो अभी बंद हो गया है, बिकॉज कोविड के वजह से। आप देख भी सकते हो, ये जैसे क्लोज कर्टन वगैरह रहते थे AC 3 टायर में भी, बट अभी वो कर्टन्स वगैरह नहीं है। तो ये ओवरऑल सब चीज़ें चेंज हो गई है, तो आपको साथ में कैरी करना पड़ेगा। अगर आप बच्चे हैं आपके साथ में, तो आपको साथ में ही कंबल वगैरह कैरी करना पड़ सकता है, तो इसका ध्यान रखिए। बोलो सैंडविच 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 भैया, मुझे भी देना है। हाँ जी दे रहा हूँ। गाड़ी खड़ा रहेगा? कितना देर रुकता है गाड़ी? 20 मिनट रुकेगी। अच्छा, शूट करते हैं भाई अपन। तुम्ही लोगों का वैष्णो देवीला चालेगा? अच्छा, कुठले तुम्ही सगळे? पनवेल। चला खूप छान गाइस, ये लोग हम लोग के साथ आ रहे अभी जम्मू में, तो लास्ट तक सफर हमारे साथ ही रहेगा। तो म्हणजे काय काय तुम्हाला घेऊन जावं लागलं, म्हणजे काय टेस्ट वगैरे ची रिपोर्ट वगैरे सांगितली का? RT-PCR 72 आवर्स मध्ये करावी लागते ना ती? ओके, नाईस नाईस, चला बेस्ट ऑफ लक हा, आणि ऑल्सो प्रे फॉर अस। थँक्यू। फॉर्म पुटक पुटक स्पीड में कैसे चलती, ऐसे ऐसे कैसे चलती? अच्छा पीछे गई, पीछे चली गई ट्रेन, पीछे चली गई। ओ वाओ, मम्मा क्या कर ले? मम्मा को बोलो हाय। अच्छा मम्मा कैसे सोते? ओ ऐसे सोते, आवाज भी करते, आवाज भी करते मम्मा।
हैं गाइस, रतलाम स्टेशन पे उतर गए अभी, देखते हैं अलीजन के लिए कुछ खाने के लिए, क्योंकि वो सालन वगैरह खा नहीं रहा है, तो उसके लिए अभी कुछ दाल वगैरह का बंदोबस्त होता है कि देखता हूँ, अगर मिलता है तो देखते हैं। यार ये तो पूरा मील हो गया यार। पूरा मील हो गया भाई आज का तो अपना। हे गाइस, ओवरऑल अभी कोविड के वजह से साफ सफाई भी ज़्यादा हो गई है, तो ये भाई देखो ये कम से कम 3-4 बार इन्होंने साफ़ किया, अभी ये अभी 3री बार लगभग इनका साफ कर रहे थे, तो साफ सफाई ओवरऑल अच्छी है, तो इंशाल्लाह आपको ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है, हाइजीन है टोटल। ये अभी हम लोग अम्बाला स्टेशन पे है, अम्बाला स्टेशन पे छोले कुलचे के अलावा कुछ मिलता नहीं है एक्चुअली में, तो चलो उसी से काम चलाएंगे आज इंशाल्लाह। हे गाइस, तो पठानकोट आ गए हम लोग, पठानकोट में आ गए, इसका मतलब समझना है कि फ़ोन कॉल्स अभी सब बंद होने वाले हैं, अगर प्रीपेड है तो, अगर आपका पोस्टपेड है तो फ़ोन कॉल्स चलेंगे आगे के लिए, वरना यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है, जम्मू यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, तो गाइस एंजॉय करिए। और यहाँ पे बारिश हो रही है हल्की फुल्की जैसी मुंबई में हो रही थी, तो चलो देखते हैं आगे और क्या क्या मिलता है। गाइस ये आर्मी की ट्रेन है, ये जो रखने का इसके ऊपर जो बंकर वगैरह टैंकर होते हैं इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है यहाँ से, वह तो ये भी चीज़ देख ली, ये भी एक यूनिक चीज़ है, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। तो दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं जम्मू, तो ये जो लाइन लगी हुई है ये कोविड टेस्ट के लिए है, जो कोविड का रैपिड टेस्ट है ये यहाँ पर होता है, फोर्स वालों को कराने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यूनिट करवाती है फोर्स, तो हम लोग करेंगे नहीं इसको, हम लोग तो यूनिट ही करवाएंगे। बाकी ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि शबनम के अपने फ़ोन था, मेरे हाथ में काफ़ी सामान था, तो ये देखो मैं जा रहा हूँ, ये आली भी है। तो हे गाइस, हम लोग घर पहुंच चुके हैं अभी, हम लोग का सफ़र बहुत अच्छा रहा, काफ़ी आराम से आ गए, हम लोग दो फ्रेंड्स भी मिले थे जो श्रीनगर घूमने जा रहे थे, तो उनके साथ में टाइम कैसे निकला पता ही नहीं चला, तो अभी वर्दी लगा लिया है, अभी जाके रिपोर्ट करना है यूनिट में, और कल कोविड वगैरह टेस्ट होगा, फिर क्वारंटाइन होगा, काफ़ी प्रोसेस है। ये देखो ये आली कैसे घूम रहा है, आलू बाय, से बाय बाय, टेक केयर, ओके। तो आप ऐसे ही प्यार देती रहिए, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और पुराने हो तो लाइक कीजिए, थैंक्स अ लॉट।